हेलो हाय नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां पर हम खेलते हैं रंगों के साथ और मस्ती करते हैं मुस्कुराहट के साथ। वैसे पहले तो ये बताइए, आप सब कैसे हो? एकदम फिट फाइन ना? वैसे आपको याद तो है ना, राखी आ रही है, भाई बहन का सबसे प्यारा त्यौहार रक्षाबंधन, इंग्लिश में जिसका मतलब होता है प्रोटेक्शन बॉन्ड। हिंदू पुराण के अनुसार द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को राखी बांधी थी अपनी सुरक्षा हेतु, और रानी कर्णावती जो रानी थी चित्तौड़ की, उन्होंने राखी भेजी थी मुगल सम्राट हुमायूं को जब उन्हें मदद और सुरक्षा की बहुत ज़रूरत थी। तो तभी से चली आ रही प्रथा आज भी कायम है। राखी के दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और कामना करती है उसके उज्जवल, स्वस्थ और सुरक्षित भविष्य की, और भाई बहन से ये वादा करता है कि वो उसकी आखिरी सांस तक रक्षा करेगा और सुरक्षित रखेगा। इसी के साथ बहन भाई की पूजा करती है, उसकी कलाई पर राखी बांधती है और भाई उसे तोहफा देता है। और ऐसे ही भाई बहन का ये पावन त्यौहार भारत में हर घर में खुशियों के साथ मनाया जाता है। रक्षाबंधन ये एक ऐसा त्यौहार है जिसके लिए भाई बहन दोनों साल भर बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। भाई कहीं पर भी हो, वो राखी के दिन ज़रूर आता है अपनी बहन से राखी बंधवाने, या फिर बहन चली जाती है अपने भाई के घर उसे राखी बांधने। अगर दूर है, दोनों मिल नहीं पा रहे, तो बहन तार से राखी ज़रूर भेज देती है याद से अपने भाई के लिए। इस साल जैसे कि आपको पता ही है, आप जानते ही हो लॉकडाउन है, राखी नहीं ले पा रहे हो, तो क्यों चिंता करते हो, मैं हूँ ना। आज से राखी तक मैं आपको अलग अलग तरीके के राखी बनाना सिखाऊंगी, जिससे कि आप अपने भाई को बांध सकोगे। अगर भाई नहीं तो बहन बहन को बांध लेगी, और बहन नहीं तो भाई भाई को बांधेगा, और इसी तरह हमारा राखी होगा खूबसूरत, खुशनुमा और बहुत सारा खुशियों से भरा। तो इस साल कुछ नया ट्राई करते हैं ना, अपने भाई के लिए, अपनी बहन के लिए खुद ही अपने हाथों से राखी बनाते हैं ना, उन्हें भी अच्छा लगेगा। तो देर किस बात की है, चलते हमारे वीडियो की ओर। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हो मैंने छोटे छोटे फ्लावर्स ऑलरेडी बना रखे हैं, कलरफुल प्यारे प्यारे छोटे छोटे से। ये बनाने के बाद बहुत प्यारे लगते हैं, इन्हें आप घर पर भी बना सकते हैं अपने हाथों से, और वो टेक्निक मैं बताऊंगी। से इन्हें बनाने के लिए आपको ऐसे क्रेप पेपर्स लगेंगे, जो कलरफुल क्रेप पेपर्स, अगर आप स्कूल स्टूडेंट हो तो आपके पास ज़रूर होगा, क्योंकि स्कूल में लगता है क्राफ्ट के लिए मंगवाते हैं। और अगर क्रेप पेपर्स नहीं है तो आप टिशू पेपर ज़रूर होगा, तो टिशू पेपर से बना सकते हो। अगर ऐसे पीसेज वाले टिशू पेपर्स नहीं है, टिशू पेपर रोल है, तो उससे भी बन सकता है ईजीली। तो मैं आपको दोनों इससे बताऊँगी, के पास जो अवेलेबल है आप उससे बना लेना। आपको और लगेगा थ्रेड, ये अपना वो वाला थ्रेड है जो मम्मी सिलाई करती है ना, वही वाला थ्रेड है, पतला वाला। और आपको लगेगा सीजर, और लगेगा आपको रिबन, भाई के हाथ पे बना बांधना है ना सिलाई पे, रिबन तो ज़रूर लगेगा। और लगेगा आपको ग्लू, और अगर ग्लू नहीं तो ग्लू गम। अगर ये भी नहीं है तो आपके पास डबल साइडेड टेप है, डबल साइडेड टेप भी यूज़ कर सकते हो। तो बनाते हैं, तो हम कौन सा कलर सेलेक्ट करेंगे? तो यहाँ पे मैं सिलेक्शन में कंफ्यूज हो गई थी कौन सा कलर सेलेक्ट करूँ, तो यहाँ पर बहुत सोचने के बाद मैंने डिसीजन लिया उस पर्पल कलर से बनाऊंगी अपने भाई के लिए राखी। यहाँ पे मैं पर्पल कलर यूज़ कर रही हूँ। सो अब यहाँ पे क्या करना है, आपको मेजरमेंट लेनी है, मतलब अच्छा खासा बड़ा विड्थ में बड़ा होना चाहिए पेपर। इससे क्या होता है, आपका पेपर अगर बड़ा होगा ना तो प्लेट्स बनाने में आपको बहुत आसानी होगी। यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी कितनी सुंदर प्लेट्स निकली है, फुगा फुगा सा है, तो वैसे ही हम बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको मेजर करके बताती हूँ, ये मैंने 10 सेंटीमीटर का ले रही हूँ मैं यहाँ पे। सो 10 सेंटीमीटर पर आपको यहाँ पे फोल्ड कर देना है। क्रेप पेपर जो होता है ना वो बहुत लाइट होता है, बहुत हल्का पेपर होता है, एकदम पतला सा, तो अगर आप ज़्यादा खींचोगे ना वो फट भी जाता है, इसलिए थोड़ा ध्यान से करना। यहाँ पे क्रेप पेपर को कटिंग कर लेंगे, तो यहाँ पे हमने कट कर लिया। यहाँ पे आप देख सकते हो ये खोलने के बाद ना बहुत बड़ा होता है, ये देखो कितना बड़ा है। जैसे हम फोल्ड कर लेंगे, तो ये फर्स्ट फोल्ड था मेरा, और ये सेकंड फोल्ड है, ये थर्ड फोल्ड है, और ये लास्ट फोर्थ फोल्ड। तो चार फोल्ड्स किए मैंने, आपको वापस दिखाती हूँ, सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। अभी हम इसके जो ये जो फोल्डिंग्स पार्ट है ना, ये कट कर लेंगे दोनों साइड से भी, कोई भी ऐसा मिडिल पोर्शन जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, और इसे ऐसी तरह सेपरेट कर लीजिए। और अब सारे पेपर्स को प्रॉपरली अलाइन कर लो और उसे ऐसे फोल्डिंग कर लो। हम बनाते थे ना स्कूल में पेपर फैन, उसी की तरह आपको आगे पीछे ऑल्टरनेट फोल्ड्स करने हैं। तो यहाँ पर हमारा फोल्डिंग हमने कर लिया, फोल्डिंग डन।
अभी हम इसे एक साथ जोड़े रखेंगे फिर से एक धागे से। तो हमें एकदम मिडिल पोर्शन पे बांध लेना है, छोटा सा एक धागा लो, ज़्यादा बड़ा नहीं, सिर्फ बांधना है। तो मिडिल पे रख के आप बांध लो प्रॉपरली ताकि वो ना छूटे। सो यहाँ पे हमने बांध लिया, तो यहाँ पे हमारा बांधना कंप्लीट है। तो एक दो गांठें अच्छे से प्रॉपरली बांध लेना ताकि वो छूटे ना, और प्रॉपरली बीच में उसको अलाइन कर देना। और ऐसे ही अपने पेपर्स को सेपरेट कर लेना, अपने फ़ैन को सेपरेट करना, चेक कर लेना। देखो आप देख सकते हो अभी एक एक करके आपको वो पेपर्स को उठाना है, ठीक है। ऐसे करके आप उठाते जाओ, मिडिल पोर्शन तक ही बस लाना है आपको, उसका एक्सटेंड नहीं करना है। सारे पेपर्स को, दोनों साइड की सारे पेपर्स को आपको एक एक करके ऐसे लाना है, ज़्यादा खींचना नहीं, नहीं तो फट जाएगा। बीच में मेरे भी एक पेपर फट गया था, एक पीस, एक पंखुड़ी। ऐसे ही करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तो देखा आपने ऐसे ही ज़ोर से खींचने से फट जाता है। तो ऐसे ही आखिरी तक करते रहिए, दो तीन हमारे पेजेस और बचे हैं, फिर उसके बाद वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अभी ये पेपर फ्लावर को ऐसे फोल्ड करके इसे खोल लीजिए, उसके जो प्लेट्स हैं ना, प्लेट्स को खोलना है, और जो एक्स्ट्रा पोर्शन है जो बाहर बाहर निकला सा है वो कट कर लीजिए। यहाँ पे कट कर लिया मैंने, देख सकते हो, उसको सिमिलर करना है, मतलब फ्लावर को एक जैसा दिखाना है, फिर कटिंग करना पड़ेगा। इसे ऊबड़ खाबड़ थोड़ी होता है फ्लावर, तो पेटल्स को अच्छे से आप कट कर लो। देख सकते हो ये देखो, मतलब कितनी अच्छी पंखुड़ियाँ निकली है ना। यहाँ पे हमारा पहला फ्लावर डन है। अभी ये जो रिबन ले रही हूँ मैं, इसमें अपने हाथ का माप ले दीजिए, थोड़ा एक्स्ट्रा रखना, आपके भाई को भी बांधना तो है, गार्ड बांधनी है कि नहीं, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेना और कटिंग करके अब उसका मिडिल पोर्शन आप निकालो। ये मेरा मिडिल है, इस पर मैं ग्लू लगा रही हूँ। ग्लू से ना जल्दी चिपकता नहीं है, ग्लू गन अगर होगा तो बेटर होगा। अगर ग्लू गन भी नहीं है तो अगर आपके पास डबल साइडेड टेप है तो वो भी काम चलेगा, अगर वो भी नहीं तो ग्लू ही सही है, उसे बस आपको सूखने के लिए रखना होगा। तो इसे मैं सूखने के लिए रख रही हूँ, अभी मैं आपको बताऊँगी टिश्यू पेपर से कैसे बनाना है। तो पहले तो सारे टिश्यू पेपर्स को आप एक साथ अलाइन कर लीजिए, जैसे आप देख सकते हो मैं सबको एक साथ अलाइन कर ले रही हूँ। कर लिया, अब क्या करना है, अब हम कटिंग करेंगे, कटिंग टाइम। सो यहाँ पे भी सेम टेक्निक, यहाँ पे भी आपको यूज़ करनी है, एक भी पेपर आपको मतलब फोल्डिंग वाला नहीं छोड़ना है, सभी पेपर्स कट होने चाहिए। और होने के बाद अभी आपको यहाँ पे वही फ़ैन वाला टेक्निक इस्तेमाल करके पेपर को फोल्ड करना है अल्टरनेट में, आगे पीछे आगे पीछे। तो यहाँ पे मेरा फोल्डिंग डन, अभी मैं यहाँ पे थ्रेड से इसे एक साथ करूँगी, जोड़े रखूँगी। तो इसके मिडिल पोर्शन पे मैं यहाँ पे थ्रेड बांधती हूँ, यही अपना सिंपल वाला जो थ्रेड होता है ना मम्मी के पास, जो मम्मी आपके लिए सिलाई करके करती है, वही थ्रेड। दो तीन गांठें अच्छे से बांधना है, तो वो खुल जाएगा ना, तो फिर आपकी पंखुड़ियाँ नहीं निकलेगी। तो यहाँ पे डन है, तो ये फ्लावर को पेपर से सभी सेपरेट कर लीजिए, एक एक करके सेपरेट करते रहिए। दोनों साइड में भी आपको करना है, एक साइड में, दोनों साइड आप एक एक करके, मैं यहाँ पे सेपरेट करके दिखा रही हूँ आपको। ये लास्ट, और यहाँ पे मेरा फ्लावर बन गया। अभी इसे टाइटली सेपरेट कर दीजिए, ये देख सकते हो इससे पंखुड़ियाँ सेपरेट हो जाती है वैसे करोगे तो, और इसको कटिंग कर लीजिए, सारे पेपर्स को अलाइन कर लीजिए, लंबे छोटे मत रखिए, अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पे हो गया, वैसे पता है इसे ना आप एज ए हेयर बैंड भी यूज़ कर सकते हो, आपके हेयर बैंड पर चिपका दो।
और जो एक्स्ट्रा जो बचा रहता है ना थ्रेड उसे भी काट लूँगी। अभी यहाँ पे रिबन का मेजरमेंट ले लो, कितना आपको रिबन लगेगा उस हिसाब से कटिंग कर लो। और रिबन का मिडिल पोर्शन भी ढूंढ लो, यहाँ पे मिडिल पोर्शन मुझे दिख रहा है, मैंने ले लिया है। अभी मैं इसमें ग्लू गन का यूज़ कर रही हूँ। ग्लू गन से क्या होता है वो जल्दी स्टिक हो जाता है क्योंकि वो हॉट गम होता है ना। तो यहाँ पे मैंने फ्लावर पे लगा दिया और इसे मैं रिबन के ऊपर प्लेस कर दी। तो ये देखो रिबन के एकदम मिडिल पोर्शन पे आपको प्लेस करना है और उसके बाद तुरंत आपका फ्लावर जो है वो रिबन पे चिपक जाएगा और आपका राखी बनके रेडी हो जाएगा। कितना सिंपल है ना, देखो कितना अच्छा लग रहा है। अभी इसे हेयर बैंड बना के भी यूज़ कर सकते हो। तो एक्स्ट्रा पोर्शन जो थ्रेड का है वो काट देंगे, इतना अजीब सा लगेगा। तो मेरा पर्पल वाला भी रेडी है, मेरे दोनों राखी रेडी हो गए हैं और इनका ग्लू भी सूख चुका है, तो ये अब कंप्लीट रेडी है। वैसे आप राखी के अलावा इन्हें और एक काम में यूज़ कर सकते हैं, वो है कि आप इसे वॉल पे एज अ क्रिएटिविटी यूज़ कर सकते हो, जैसे वॉल पे डिज़ाइन बनाना। मैं आपको दिखा रही हूँ जैसे ऐसे आप फ्लावर इकट्ठा फ्लावर बना के इसे आप वॉल पे लगा सकते हो, चिपका सकते हो, एक बुके टाइप का बनेगा वो। फिर देखो मैं आपको बता रही हूँ सेम ट्रिक का यूज़ करके आप जस्ट एक बुके टाइप का आपके दीवार पे किसी कॉर्नर पे ऐसे लगा सकते हो। सो ऐसा कुछ इस तरह दिखेगा वो। तो मैंने आज आपको 2-in-1 चीज़ बताई, एक तो राखी और एक घर डेकोरेशन के लिए एक छोटा सा ट्रिक। आप इसे पार्टी डेकोरेशन में भी यूज़ कर सकते हो। तो हम ये बाकी के हटा देते हैं, यहाँ पे हमारी राखी जो 2 रेडी है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो आप देख ही सकते हो इसके पत्ते कितने सुंदर आए हैं, अलग अलग है, समझ में आ रहे हैं। और ये कितनी फ्लफी है, तो फ्लफी फ्लफी एकदम मोटी सी अच्छी लगेगी हाथ पे। इसे हेयर बैंड भी बना के पहन सकते हो। तो प्लीज़ इसे ट्राई ज़रूर करना, अपनी हाइट की कलाई पे अच्छी लगेगी, बहन की कलाई पे अच्छी लगेगी, है ना। वैसे मुझे ना ये टिश्यू पेपर वाली वाइट वाली बहुत अच्छी लगी, आपको कौन सी अच्छी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना। और ऐसे ही आगे मैं और भी ट्यूटोरियल्स लाने वाली हूँ बाकी सीजन में, तो आप देखते रहिए, स्टिक टू द चैनल, सब्सक्राइब कर दो और आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। और शेयर ज़रूर करना, ट्राई ज़रूर करना, राखी है भाई। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, देखते रहिए, स्टे ट्यून्ड, हैप्पी वॉचिंग, टाटा बाय बाय एंड स्टे सेफ स्टे हैप्पी।